अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम चे सार बजे तो कशुर खबरनामा हेत चुस बे साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर। तुम तो माजरत खा यदवे साढ़े चोर बराबर कशुर खबरनामा गुलिस्तान न्यूज पे शुरू सपदन, ताहम चे तकनीकी खराबी किन आज थोड़ा सियर सपदमत, तो फिलहाल चे बाकिन खबरन हिज तफसीलात तो ही ब्रोंके जमिस मंज आव आज आल पार्टी मीटिंग हुन सांज करने यत मंज अल पल सारवी जमाचो शिरकत कर। मीटिंग दौरान यति मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिनाव तो प्रेत जमात हुंदे लीडरों तरफ पन्नन पन्नन खदशातन हुंदे जार करना आव तच्च आमे पत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांज करना आमुत। यह दौरान हसनैन मौसूदियन वोन जे पतिमेन केचन दोन दौरान यम हुकुमनाम इंतजामिया तरफ जम्मू कशीर में जारी करना आई तिमन हुकुमनामन हवाल छाज अजचे मीटिंग हुंद सांज करना आमुत। यल जन मीटिंग में शामिल सियासी जमातन हुंद मौकुफ यकसा लबने आव खेतियां लगाते थे वो अब मोहब्बतों में बदल रही है, ये मोहब्बतों का है। और 5 अगस्त 2019 के सारे बढ़ा दिए बढ़ा दिए ना लाल सिंह जी। देखिए ना कि आगे टेस्ट करो वाटर्स, अभी ये बेशक पानी वाले इसको 25 लाख वोटर्स उसमें ऐड किया जा रहा है, यहाँ के जो फिरस्ते हैं वोटर फिरस्ते हैं उनमें शामिल किया जा रहा है। तब से एक कंसर्न का मामला, एक इज़्तिराबियत की कैफियत है सारी जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू में। तो उसके बाद अगर जो स्पष्टीकरण किया गया, ये कोशिश की गई कि आजाद की जाए, नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जब ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जो नया आर्डर आया जिसमें एक गाइडलाइंस दी गई थी कि क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाए बाहर के वोटर्स को यहाँ इंक्लूड करने में, यहाँ के जो भी हमारे वोटर फिरस्त, तो उससे वो गहरा होता गया और उसको तकवीत मिली जो अंदेशे थे सारे लीडरों के। और आप खासकर आप ये देख लीजिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ज्यादा इज़्तिराब है, ज्यादा ये जो इसके बारे में अंदेशे है और इस अंदेशे को तकवीत मिली। और अब वो ऑर्डर भी किया गया, विड्रॉ कहा गया कि हमने विड्रॉ किया और कहा जाता है कि एक ट्वीट के जरिए कहा। नॉर्मली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को ऑर्डर कोई विदड्रॉ किया जाता है तो आपने गाइडलाइंस मुश्तहर कर दी कि ये गाइडलाइंस होगी, 1 से 7 तक ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर उनको जो नॉन लोकल है वो यहाँ का इस नाम पर कि वो ऑर्डरली रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस नाम पर उस वसीले से लाया जाएगा। तो आप गाइडलाइंस देते हैं कि किसको डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ का ऑर्डरली रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर आपने गाइडलाइंस दी, आपने ये उनका जिक्र किया उन दस्तावेजात का, और उसके बाद एक ओमनिबस प्रोविजन है, ओपन एंडेड एक्ट दे दिया पावर एक रेवेन्यू ऑफिसर को, वो अगर ये भी किसी के पास ना हो, अगर वो चाहे तो बुला सकता है। तो विड्रॉ किया गया, होना ये चाहिए था कि एक ऑर्डर एक इसकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाता जिसमें नए से ऐसी जिक्र होता कि अब क्या गाइडलाइंस रहेगी, लेकिन वो किया नहीं गया। और जबकि हमारी इतलात है हमारे सीनियर लीडर ने जो जमीन से जुड़े हैं ये कहना है कि नहीं वो जो कार्रवाई है वो जारी है, ये समझ से बाहर ये बात है कि वो कैसे कार्रवाई जारी है जबकि गाइडलाइंस को ही विड्रॉ किया गया था, या गाइडलाइंस की जब कोई और गाइडलाइंस लाई है जिसको से हमें और आवाम को बेखबर आ जा रहा है। तो जनाब ये सारे जो है जो आप जानते हैं, जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी पहले श्रीनगर में, फिर यहाँ हुई थी, और कोई 12 के करीब पार्टियां जो खासकर जो यहाँ के सियासी उफक पर, जम्मू के सियासी उफक पर मंजरनामे पर उनकी मीटिंग हो गई और ये तय पाया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उस वो कमेटी सबका गौर फिक्र करेगी, बस तमीज़ करेगी, विचार विमर्श करेगी, और उसके बाद वो क्या किया जाए, क्या हमारे पास विकल्प है, कैसे आगे जाए, वो कमेटी बनाएगी कोई 17 मेम्बरान, और उसमें रिप्रेजेंटेशन तकरीबन हर पार्टी को देगी। आज उसी कमेटी की यहाँ पर मीटिंग हुई और हमें फख्र है कि यहाँ के जम्मू के बड़े सीनियर लीडर्स चौधरी लाल सिंह जी, रमन बल्ला जी, शेख अब्दुलरहमान साहब, खुजुरिया साहब, ब्रेन साहब और सारे बाकी CPIM के लीडर हैं, और यहाँ से जो हमारे कश्मीर से आए हुए मुजफ्फर साहब हैं, शाह साहब हैं, और डिम्पल जी है, और बाकी सहनी साहब हैं, और उनके जो बाकी हमारे जो शिया एसोसिएशन के आशिक हुसैन साहब हैं। JDU तरफ आज श्रीनगर में श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यह दौरान एहजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर जम्मू कश्मीर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत ये अक तरफ इंतजामिया मंशियात पे रोट लागन सवाल जानकारी प्रोग्रामन सांज करान तत दोम तरफ शराब आम कर हुकुमनाम जारी करना आमुत यम जम्मू कश्मीर में रोजन वे लूक मायूसी हिंद शिकार सपद।
एहजाज में शामिल लीडरों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत जो हुकुम नाम गज वापस नियन युद्ध जन लूकन मज पौधे सपित मित खदशात दूर कर नियन बीजेपी की गुंडागर्जी है। आप देखिए देश में हिंदुस्तान मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ आपने जैसे देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हम लिक्वर बैन की बात करते हैं, जैसे हमने गुजरात या अगर बिहार में आपने देखा हमारी पार्टी में अगर किसी के पास शराब की बोतल निकलती है तो उसकी जमानत नहीं है। और वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ स्कूल में बच्चों को तालीम देना जरूरी है वहाँ पे उन्होंने शराब की दुकानें खोलने शुरू कर दी। और आपको आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको बच्चों को चॉकलेट और टॉफी के बदले बियर की बोतलें उनके हाथ में दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे काले कानून को किसी भी हालात में हम कामयाब नहीं होने देंगे, नाफिज नहीं करने देंगे। और इसके लिए अगर हमारी पार्टी को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें किसी भी सतह पे रोड्स पे आना पड़ेगा, एलजी का घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन शराब की दुकानों को किसी हालात में भी खुली डील, जो शराब की डील दी गई है जम्मू कश्मीर में, ये कानून हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुख्तलिफ कॉलेजन में काम करने वाले और लोकल फंड मुलाजमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाज मुजाहरे करने आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करनी मांग करान। एहजाज में शामिल नौजवान तरफ इंतजामिया मांग करने आमुत तिज मुस्तकिल हवाले हुकुम नाम जारी कर तुम दोबारा सड़कन पे यस मजबूर सपदन। जी मेरा नाम इम्तियाज़ अली है और मैं नवाकदर कॉलेज में एज टीचर काम कर रहा हूँ। तो हम लोकल फंड एम्प्लॉज़ है, 2015 के बाद के जो लगे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार आपके सामने भी ये पेश किया है तो आज फिर से दोहराता हूँ कि हम 15 के बाद के लोग हैं जिनको डायरेक्टिव्स निकली है कि इनको पे रोक दिया जाए, लेकिन हमें बाहर ही निकाला गया था। और नोडल प्रिंसिपल ने पिछली दफ़ा जब आपसे भी हमने बात करी थी कि कहा था कि आप कॉलेजेस में रूटीन काम कर लीजिए, आपकी हाजिरी भी हो जाएगी और अब आपको तनख्वाह भी मिलेगी। लेकिन ये ओरल था, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि मेहरबानी करके ये रिटिन में दे दीजिए ताकि प्रिंसिपल के पास हम जाएंगे या प्रिंसिपल के पास आपका रिटिन आएगा तो हमें वो भी बुलाएंगे। लेकिन इन्होंने लिखित नहीं दिया है, तब से लेके आज तक हम रोज़ डायरेक्टर साहिबा के पास या नोडल प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो नोडल प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहिबा हमें यही कहते हैं कि आपका मसला तो कुछ भी नहीं है, आप तो अंदर हो और आपके लिए ये प्रिंसिपल नहीं मानते हैं। वो प्रिंसिपल को कह रहे हैं, प्रिंसिपल हमें ये कह रहे हैं कि हमें लिखित होना चाहिए। लिहाजा हम डायरेक्टर साहिबा को भी और रोहित कंसल जी को भी ये इल्तिमास कर रहे हैं कि वो लिखित में दो वर्ड इनको दे दे और साथ ही में एलजी साहब से ये इल्तिमास करें कि आपने पहल तो की है, आपने ग्रीवेंसेस का तो ले लिया है, लेकिन प्लीज़ आप इसमें इंटरवीन करके हमारे इस मसले को हल कर दीजिए, वो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। थैंक शुमली कशीर हिंदिस कपवरस मे आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यद दौरान एस एस पी कपवर तफसीत फराहम करान वो जिस मुसदक इतला मिलनस पे कर्स मे कारवी अमल मे अन्न आमुत यद दौरान मोहम्मद शफी शेख नाव शख्स हथियार तो गोल बारूद हेत गिरफ्तार कर जन मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकत जारी। वहाँ की जो चौकी हमारी टार्ड की है, चौकी ऑफिसर और वहाँ के लोकल आर्मी यूनिट जो है 3 8 GR उनको इन्वॉल्व करके और एक
मोहम्मद शफी शेख नाम का आदमी है, आज ये खबर थी कि उसने कोई असला एमनूशन जो है वो आपने तहवील में रखा है छुपा के, और शायद वो आगे इस ताक में था कि वो कैसे टेररिस्ट तक उसको पहुंचाए, तो उसके घर की तलाशी ली गई और उसकी क्वेश्चनिंग पे उसने बताया कि उसने सीविंग मशीन के अंदर जो है वो एक पिस्टल, दो ग्रेनेड और पिस्टल के जो दो मैगजीन्स हैं 11 उसमें राउंड्स हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, और उसी के डिस्क्लोजर पे वहाँ से वो बरामद किए गए और उसको अरेस्ट किया गया है। केस जो है वो रजिस्टर किया गया है और तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई। देखिए, इसमें सब कुछ मुमकिन है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और रिकवरीज भी हो सकती हैं। अब जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो मज़ीद डिटेल भी आपके साथ। तंबाकू कंट्रोल अनवानस्ताद आज डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तरफ तकरीब हूं साज करना आमुत यात में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद अलाव महकमे सेहत के दो जिम्मेदारों तो माहिरों शिरकत कर अत मौक ये तमाक कें मुजिर असरातन हवाल कथन दल दिन आव तत डॉक्टर मुश्ताक अहमद वोनमुत तमोक नशी पे कोबू प्रावन बापत ये महकमे सेहत तरफ क्या कदम तुलने आमित तत जानकारी प्रोग्राम सज कर अत पे रोट लागनस मज आसानी सपद हाँ, ये बेसिकली हमारा स्टेट लेवल प्रोग्राम एक वर्कशॉप है जहाँ हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी हैं उनको बुलाया है फॉर टबैको सेसेशन, जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है एंड डी एडिक्शन के बारे में। आज दिन में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, इसमें हमारे एजुकेशन के लोग हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट से वहाँ उसके वहाँ वो लोग भी इसमें शामिल हैं। आज का यही एक मकसद और मतलब है कि हम इस जो ये एडिक्शन का वबा है इसके बारे में बात करें, इसके बारे में लोगों को बोलें कि ये कितना ख़तरनाक है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में पूरा 8 लाख लोग जो मरते हैं टोबैको स्मोकिंग से, ये बहुत ही अलार्मिंग है। और टबैको इज़ द गेटवे फॉर ऑल अदर एडिक्शंस, यानी कि किसी ने सिगरेट से स्टार्ट किया और पूरा हीरोइन तक एंड हो जाता है, आईवी ड्रग लेने, आईवी ड्रग जो लेते हैं। इसका यही मतलब है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें अगर हमने ये छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट किया, हमने इसका कोई इस पर हमने गौर नहीं किया तो वो बड़ी एडिक्शन में आ जाते हैं। हमारा सभी का रोल है, एक डॉक्टर का है, एक वकील का है, एक टीचर का है, समाज में जो भी लोग हैं हमें एक साथ मिल के इस वबा को ख़त्म करना है, चाहे वो स्मोकिंग हो या स्मोकिंग के बाद जो भी बाकी एडिक्शन है। हमारी एक स्टडी हुई जिसमें 70,000 लोगों को देखा गया, आउट ऑफ देम 50,000 वर आईवी ड्रग यूज़र्स, और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आईवी ड्रग यूज़र को और भी जो डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हालांकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो आईवी ड्रग लेते हैं उनको हेपेटाइटिस भी होता है। और मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आज के दिन में इस प्रोग्राम के बाद हमने ये एक यहाँ पर इनको मेरी एक जो मैंने गुजारिश की कि हर एक ऑफिस हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल का होगा या पूरे यूटी लेवल का होगा, वहाँ पे पब्लिक में वैसे तो ऐसे भी सिगरेट स्मोकिंग काम हो गई है, लेकिन वहाँ हम पहले उस पर अमल करें। पूरा जो हम ही ऑफिसर्स लोग हैं, जब हम अपनी जगह को इससे पाक नहीं रखेंगे तो दूसरों को क्या बोलेंगे। और यही एक मोहल्ले की जो मोहल्ला कमिटीज़ है उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रख के, अपने पेरेंट्स जो माँ बाप है बच्चों पे नज़र रखे। आज तो हम खामखा की जो ये मैड रेस है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर एडिक्शन को देखा जाए हम पीछे ही जा रहे हैं। अपने घरों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको कमाने के बजाय उन पे नज़र रखें ताकि वो एडिक्शन में ना जाएं, उनकी जानें बचें। ڈاک بنگلہ سنبل بنڈپورس مز آز ڈیموکریٹک آزاد پارٹی طرف کنوینشن سانس کر آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجود صورت حال حوالہ کتن دل دن آو تتہ ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن نقصان کم کریں یت زن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنا یہ بیان کے حوالے سے بتائیں میں آپ سے کہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ان کی بات بھی ٹھیک मगर हमने उन बच्चों को राह रास्त पे लाना, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ मौत, ये समझना चाहिए बच्चों को। और मुझे यकीन है कि वो समझ जाए ये जो मिलिटेंसी है इसकी उम्र बहुत कम होती और उनकी जान जो है इस पे लगी।
वो छोड़ देगा, ये काम पॉलिटिकली होगा, गोली से नहीं बोली से होगा। कश्मीरी पंडित को जिसको इन्होंने गोली मार के हरा किया, हम तो चाहते थे कि लोग आए बसे, उनको डराने के लिए नहीं। मैं एक एनजीओ में था और 100 कुंभे तकरीबन हमने कश्मीर में ला के बसाए, मगर उनको ये पब्लिक नहीं किया कि उनकी जान खतरे में पड़ जाए, और गांव वालों ने अपनाया उनको। वही एक तरीका है, ये नहीं है कि आप गेटू बना दें उसके अंदर बंद कर दें। हम वही कश्मीर चाहते हैं जहां पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते, शादी ब्याह में एक दूसरे। शुमली कशीर हिंद टंगमर्गी हिंद रावतपुरा डीपुरा हयातपुरा तो अत पे इलाकन हिंदो लूको तरफ आज महकमे पी एच ई के दफ्तर ब्रोह कहजाज मुजाहर कर आमुक दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम कर मांग करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में साफ चनाब वसई कि लूकन मुश्किल वतरन पेवान तमें हवाले के यही फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जान फराहम कर आये, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम के लूक एहजाज कर मजबूर सपे। यपर्च महकम के जिम्मेदारो तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तिंद तरफ वतलाव आमुत मसल द्रावन सवाल यन संजीद कदम तुलन युद्ध लूकन मजीद मुश्किल वतरन पे। चार पांच गांव से आए हुए हैं यहां, हम पानी के लिए तरस रहे हैं। 60 साल पहले जो पाइपें बिछाई गई है, यहां हम असिस्टेंट इंजीनियर साहब के पास आए और इसने ये वादा किया हमारे साथ कि हमको सब मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है सिर्फ आवाम के लिए, लेकिन बदकस्मती से कुछ गाँव में जो गवर्नमेंट बार बार कहता है और करता नहीं, चाहे कोई बुजुर्ग हो कुछ हो, अगर घर में पानी होता हाथ मुंह धो के फिर भी नमाज पढ़ता अल्लाह ताला से दुआ मांगता, उसके लिए भी हमें पानी नहीं है। एहजाज कौर अम खातर कि आप अफसर निश कह टी लाजम तथ आब लाग ना पाइप शहर तम खातर कर गवर्नमेंट मेहरबानी मेहरबानी अटन अचन तत्त कर हल रट आज से पांचन रेतन पे वो आब अच्छा कहें नलको सूथ नलको आब आ मुलाजिम तंग कालजनस कल आब से दालल आब से चवान ये बेमार मजिद ग वो मतलब यो मेहरबानी कर नलका आब यम पाइप दीजिए सोद कर लागान हूं जा पाबंदी गो पाबंदी कर दूर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वफद आया था, इस इलाके का मैं दौरा भी कर चुका हूँ। ये बेसिकली है हयातपोरा रावतपोरा और क्या कहते हैं आतीपोरा सोनालीपोरा, चार पांच इलाके हैं ये डूरू पंडितपोरा स्कीम में ये आते हैं ये लोग। ये स्कीम अप्रूव्ड है अंडर जल जीवन मिशन और इस स्कीम का कास्ट है 396 लाख रुपीज़। इसमें तकरीबन 25 किलोमीटर नेटवर्क भी है और काम अलाट भी है और काम शुरू भी हो चुका है, और जो लोग इसमें अड़चने पैदा कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि लोगों को पानी देना है और रोडें ना अटकाएं बल्कि फैसिलिटेट करें। और जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट, खासकर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील करूँगा, आरएनबी से अपील करूँगा, हमारे साथ ताउन करें। जो लोग यहाँ एहतजाज करने आए, मैं इनके घरों में गया हूँ, मैंने नाल खोले उधर, एक्चुअली हमारे ऊपर सफाई भी हो रही थी उस वजह से भी कुछ उनका पानी कम था, लेकिन उनको हकीकत में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, मजबूर हो गए थे वो यहाँ आने के लिए। मेरी अपील फिर यही है कि लोग इसमें ताउन करें, एक महीने के अंदर इनके घरों में पानी पहुंच जाएगा, साफ क्वालिटी वाइज अच्छा पानी और क्वांटिटी वाइज अच्छा पानी। मेरी अपील है आपके माध्यम से, आपके तवसुत से, कि आप भी लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि ताउन करें, ताउन करें, ताउन करें और खुदा के लिए ताउन करें, ताकि ये काम जो है ये अच्छी तरह कम्प्लीट हो और लोगों को। जिले कपवरस में आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ तकरीबी हूं सांज कर आमुत ये जिला तरकियाती कमिश्नर अलाव महकम के जिम्मेदारों तो तलबातों शिरकत कर अत मौक पे कैया कौर ट्रैकिंग बापत सोजना आई तत् अत मौक पे ट्रैकिंग में शामिल कौरों तरफ खुशी हूं इजहार कर वन आमुत जिलस मन गोडनिक फिर महकम तरफ ये कदम तुलना आमुत।
मैं पहले डी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस जिन्होंने हमें परमिशन दी ट्रैकिंग जाने के लिए, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम यहाँ पे लड़कियाँ हैं बहुत खुश हुई इनसे, मैंने इनसे बात करी हुई है तो इनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं और जो हमारे डी सी साहब हैं उनसे भी हम बहुत खुश हुए कि उन्होंने हमें परमिशन दी, हमें जाने की वहाँ पर इजाज़त दे दी है। हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमें नौगाम जाना है, वहाँ से हम देखेंगे हमें आगे कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ कहाँ जाने की हमें इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल के लिए हमारा हमें चाहिए कि हम रूल्स फॉलो करें, जो हमें कहा जाएगा हम उस हिसाब से चलेंगे, और मुझे जो हमारे साथ में लड़कियां हैं जो ग्रुप्स में मिली हैं, मुझे उन सब पे भरोसा है और मुझे पता भी है कि हम इंशाल्लाह कर लेंगे, और हमारा जो हम जो लड़कियां जा रहे हैं और मुझे पता है कि हम अच्छे से कर लेंगे, और हमारा ट्रैकिंग का पहले से बहुत ज़्यादा शौक था तो ये आर डी सी साहब की मदद से हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएं अपना, ताकि हम आगे बढ़ सकें इसके लिए। एक बड़ा एक्सपेडिशन है, तकरीबन 60 के आसपास बच्चियां जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और ये पूरे बंगस वैली और उसके आसपास के जो भी हमारे माउंटेनस एरियाज है उनके 5 दिन के लिए ट्रैकिंग एक्सपेडिशन करेंगे, और ये एक उनका रेसिडेंशियल काइंड ऑफ कैंप होगा, वहाँ पे रहने का उनका 5 दिन के लिए इंतज़ाम होगा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉइंट कोलेब्रेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। आपके माध्यम से सारी उन बच्चियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सोप्रिको नौजवान खिलाड़ियों तरफ से शिकायत भवान वन आमुत यदवे इलाक में इंडोर स्टेडियम तमीर करने हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आई ताहम छा आज तम स्टेडियम तमीर मुकम्मल पुट करने आमुत यम किन मुकामी खिलाड़ियों गिंदस द्रकनस में सटा मुश्किल वेतरन चे पेवान मुकामी खिलाड़ियों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुत स्टेडियम तमीर करने हवाले गन कदम तुलने यन जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेवान फिन मकबूल फ्राम लालर सोपोर स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोपोर। हमें बहुत टाइम हुआ है कश्मीर मार्शल आर्ट एकेडमी है, हम यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत टाइम हुआ, हमें यहाँ के फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये है कि हम मतलब मार्शल आर्ट से एक तो इंसान फिजिकली भी ठीक रहता है और मेंटली भी ठीक रहता है, मतलब और मतलब लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हम भी सीखते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब हमें नया मतलब स्टेडियम में मिला है, नई जगह मिली है, तो ये है कि हमें यहाँ पे छत नहीं है जिस मतलब जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, आज धूप की वजह से प्रॉब्लम होती है और विंटर में फिर बर्फ़ होती है, बारिश होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें छत मिलना चाहिए। हाँ, जो बेसिक फैसिलिटी है वो भी हमें मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है मतलब जो विंटर आने वाला है उसमें प्रॉब्लम होगी, कहाँ खेलेंगे उस टाइम? हाँ, वही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ पे छत भी नहीं है अभी, इसलिए हमें छत मतलब होनी चाहिए बेसिक फैसिलिटी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम नरगिस फिरदौस है, मैं वारपुरा में रहती हूँ, वारपुरा साइड से रहती हूँ, और मैं यहाँ पे कोच हूँ, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, और हमारे जो सेंसे हैं जी एम पाला सर, उनका मैं बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई ताकि हम इस मुकाम पे पहुंचे। रही बात यहाँ एकेडमी की, हमें नई एकेडमी मिली है। तो नाजरीन, इस वक्त कोशिश खबरनामा दी, इजाजत, खुदा है सवाल।